नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सच कहूं न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियंका सिंह। आज हम चर्चा करेंगे डेरा सच्चा सौदा के पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के पैरोल पर। जी हां, पिछले हफ्ते उन्होंने पैरोल की याचिका लगाई थी और इससे पहले कि याचिका पर कुछ निर्णय आता, उन्होंने अपनी याचिका को वापस ले लिया। याचिका दाखिल करने एवं याचिका वापस लेने के दौरान बहुत हल्ला मचा। गुरु जी से ईश्वर्या रखने वाले लोगों ने भरकस कोशिश की कि याचिका खारिज हो जाए। इसके लिए उन्होंने अनेकों प्रयास के अलावा न केवल प्रशासन बल्कि सरकार तक को चेतावनी दी। मीडिया के भी जमकर कीचड़ उछाला गया। इसे विडंबना ही है कि अपने आप को राष्ट्रीय मीडिया कहलाने वाले चैनल और अखबारों ने एक बार फिर एक तरफा रिपोर्टिंग करके न केवल पत्रकारिता की सांख को बट्टा लगाया है बल्कि दर्शकों को झूठ एवं एक पक्षीय खबरें परोसकर समाज में नफरत और घृणा फैलाने की नापाक कोशिशों में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। अब बात करते हैं मीडिया की। मीडिया को टीआरपी के खेल में ऐसा रच बसा है कि उसे इसके आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। किसी ने भी डेरा या डेरा प्रेमियों का सही पक्ष दिखाने या पूज्य गुरु जी के कानूनी अधिकारों के पक्ष में कुछ भी बताने या दिखाने की जरूरत महसूस नहीं की। एक पक्षीय खबरों के बीच बीच में यदि किसी मंत्री या अधिकारी ने कानूनी तौर पर सही बात भी रखनी चाहिए तो उसे भी या तो तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया या फिर हल्के में ले लिया गया। आखिर इतनी घृणा और भेदभावपूर्ण एक पक्षीय रिपोर्टिंग एवं प्रस्तुति से मीडिया के सिरमौर समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम पूछना चाहेंगे कि क्या मीडिया कानून से भी ऊपर हो गया है? आपको बताते चलिए कि संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा हमेशा कानून का पालन करते आए हैं। उन्होंने कभी कानून की अवहेलना करना तो दूर बल्कि सत्संगों के दौरान अपने अनुयायियों को हमेशा कानून का सम्मान करने की सीख दी है। हजारों लोगों को तो रिश्वत ना लेने और ना देने की शपथ दिलाई है। 134 मानवता भलाई के कार्य करते रहने की शिक्षा अनुयायियों को दी है, जिस पर वो लगातार चल रहे हैं, जिसे सारा समाज देख रहा है। ये बात मीडिया दिखाए या ना दिखाए, इस बात की परवाह कभी डेरा प्रेमी ने नहीं करते, लेकिन उन्हें तब बड़ा दुख पहुंचता है जब उनकी अच्छाई की चर्चा तक ना करने वाले मीडिया डेरा प्रेमियों को गुंडे जैसा अपमानजनक शब्दों से संबोधित करता है। उनके आराध्य पर ना जाने क्या क्या झूठे आरोप लगाकर स्टोरियां दिखाता है जिसका एक भी पुख्ता सबूत उसके पास नहीं है। आइए बताते हैं याचिका के बारे में। पूज्य गुरु जी की याचिका पर 18 जून 2019 को रोहतक की सुनारिया जेल के अधीक्षक ने अपनी संस्तुति करते हुए एक पत्र सिरसा जिला मंडल कमिश्नर को प्रेषित किया, जिस पर कानूनी प्रक्रिया के तहत संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई थी। लगभग सभी ने अपनी रिपोर्ट लगभग दाखिल भी कर दी थी। अब केवल कमिश्नर का फैसला आना बाकी था, लेकिन इससे पहले ही गुरु जी ने अपने पैरोल याचिका बिना शर्त वापस ले ली है। याचिका वापस लेने के फैसले का सही कारण तो सिवाय गुरु जी के कोई नहीं जानता, लेकिन अपनी अपनी सोच से सब कयास भी लगाएंगे और झूठे दावे भी करेंगे, जो कि मीडिया हमेशा से करते आया है। याचिका की प्रक्रिया के दौरान भी कुछ मीडिया ने गुरु जी को जमींदार बताया तो किसी छोटा कष्टकार और कुछ ने उनके नाम का कुछ भी जमीन नाम ना होने की बातें कही। सभी का मकसद दर्शकों को सच्चाई से रूबरू कराना नहीं बल्कि गुरु का विरोध करते हुए मसाला परोस के टीआरपी बटोरना था। इस कुत्सित प्रयासों में वो इस बार भी कामयाब हो तो हुआ, लेकिन लोग उसकी सच्चाई भी जान गए। इसलिए बड़ी संख्या में मीडिया की गलत रिपोर्टिंग पर जमकर डिसलाइक एवं नेगेटिव कमेंट भी आए, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि दर्शक ज्यादा दिन तक झूठ एवं पक्षपात की खबरें बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सच कहो न्यूज। हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं, लेकिन ध्यान रखें, अगर कुछ अच्छा ना लगे तो अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए गलत भद्दे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। अच्छे लोग कभी ऐसा नहीं करते। धन्यवाद।